नमस्कार दोस्तों, मैं केतन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस दोस्त में। दोस्तों इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020-2021, तो दोस्तों इस कोरोना के चलते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ होने वाली सीरीज के पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों इस पूरे शेड्यूल के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं कि वो कब कहाँ होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इंडिया टीम के फैन हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। बात दोस्तों अगर आप क्रिकेट न्यूज़ आईपीएल न्यूज़ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैच, 3 वनडे मैच व 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी सीरीज होने वाली है ये। दोस्तों ये सीरीज अक्टूबर से जनवरी तक खेली जाएगी। तो दोस्तों इस सीरीज में सबसे पहले 3 T20 मैच खेले जाएंगे जिसका पहला T20 मैच 11 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। वहीं दूसरा T20 मैच 14 अक्टूबर को कैनबरा में होगा। वहीं अगर दोस्तों तीसरे T20 मैच की बात करें तो दोस्तों वह 17 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा। दोस्तों इसके बाद चालू होगा 4 टेस्ट मैचों की सीरीज। दोस्तों 4 टेस्ट मैचों की बात करें तो उसका पहला टेस्ट मैच 3 से 7 दिसंबर के बीच ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। वहीं दोस्तों दूसरा टेस्ट मैच 11 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच एडिलेड में होगा। दोस्तों ये एडिलेड वाला टेस्ट मैच डे नाइट होने वाला है, वह पिंक बॉल से खेला जाएगा। वहीं दोस्तों थर्ड टेस्ट मैच की बात करें तो दोस्तों ये 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच खेला जाएगा मेलबर्न में। वहीं दोस्तों चौथे टेस्ट मैच की बात करें तो दोस्तों यह 3 से 7 जनवरी के बीच खेला जाएगा सिडनी में। वहीं दोस्तों इस सब के बाद भारतीय टीम नए साल में वनडे सीरीज खेलेगी जिसका पहला वनडे मैच 12 जनवरी को पर्थ में खेला जाएगा। वहीं दोस्तों दूसरा वनडे मैच 15 जनवरी को मेलबर्न में खेला जाएगा। वहीं दोस्तों तीसरा वनडे मैच की बात करें तो दोस्तों वह 17 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों इन सबको मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, इसमें जो T20 सीरीज है उनको मैं कन्फर्म नहीं कह सकता कि वो खेली जाएगी क्योंकि BCCI 25 सितंबर से 1 नवंबर तक IPL कराने की सोच रहा है। तो दोस्तों T20 सीरीज का अक्टूबर महीने में होना मुश्किल लगता है, लेकिन 4 टेस्ट मैच और 3 ODI लगभग 90% पक्के हैं, बस भारतीय सरकार की अनुमति होना प्राप्त है। तो दोस्तों यही पूरा शेड्यूल है, क्या होता है सीरीज में आगे देखेंगे। तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि इस सीरीज का विजेता कौन बनेगा। बस दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें व दोस्तों अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बस दोस्तों ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।